नमस्कार दोस्तों, सोनी टेकनी एजुकेशन जल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप असम राइफल का एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं और एडमिट कार्ड के इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों, आप अपने एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में फुल्ली प्रोसेस बताया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी की पूरी वीडियो देखें, ताकि इस वीडियो में बताया गया पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिल सके। आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है sarkaririzult.com। दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों, सर्च करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होने लग जाएगा। इंटरफेस होने के बाद आपको यहाँ पर तीन सेक्शन मिल जाते हैं, एक है रिजल्ट, दूसरा है एडमिट कार्ड और तीसरा है लेटेस्ट जॉब। दोस्तों, एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आपको असम राइफल रैली ट्रेडमैन एडमिट कार्ड 2021 का लिंक मिल जाएंगे। इस लिंक पे आपको क्लिक कर ले। दोस्तों, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होने लग जाएगा। फिर आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होने लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इंटरफेस होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है। फिर से नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आपको रिप्रिंट वाला एक ऑप्शन मिल जाता है। इस रिप्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, रिप्रिंट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होने लग जाएगा। यहाँ पर आपको आईडी नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन पर दिया हुआ है कि आईडी नंबर और ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों, अगर आपके पास आईडी नंबर नहीं है तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर अपने आईडी नंबर यानी अपने एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। सेकंड लाइन जो दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। दोस्तों, मैं बता दूँ कि आपको डेट ऑफ बर्थ किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिख के रखा हूँ, आपको डेट ऑफ बर्थ इस तरह से भर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 15, उसके बाद ऑब्लिक देना है, फिर 12, फिर ऑब्लिक देना है, फिर 1998। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। दोस्तों, लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपने कैप्चा कोड डालने के बाद गेट डिटेल्स में आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, फाइनली मैं अपना भर लिया हूँ, उसके बाद आपको गेट डिटेल्स में क्लिक कर लेना है। गेट डिटेल्स में आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस होने लग जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पहला है आपके आईडी नंबर, उसके बाद आपके अप्लाइड पोस्ट है, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाइड कैटेगरी है, और इसमें आप देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन, उसके बाद आपको प्रिंट कॉल लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको पेमेंट स्टेटस का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रिंट कॉल लेटर पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट कॉल लेटर, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, प्रिंट कॉल लेटर में क्लिक करने इस तरह इंटरफेस होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपने डेटा शो होने लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपके नेम, फादर्स नेम, पोस्टल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन वाले पेज खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दो नंबर पे आप देख सकते हैं, यू आर हियर वे एडवाइज टू रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको रिपोर्ट किस में करना है? जिस बोर्ड में अपने फॉर्म को अप्लाई किए थे, उस बोर्ड पे आपको रिपोर्ट करना है। क्या क्या रिपोर्ट करना है, जैसे कि आप अपने बोर्ड को देख सकते हैं, दीमापुर नागालैंड, यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा, तो आप जिसमें भरे हैं, जो सेंटर में आप भरे हैं, उस सेंटर को आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, इसे अच्छी तरह से आप पढ़ लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले वाला जो दिया हुआ है, पहला वाला आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो दोस्तों, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ले जाना होगा। जो बी नंबर का है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड ITI डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ATC अप्लाइड। दोस्तों, यहाँ पर आपके अगर जो अदर्स क्वालिफिकेशन होते हैं, जैसे कि टाइपिंग किए हैं, शॉर्ट हैंड किए हैं, ITI डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, ये सब लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है, और आपके सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी भी ले जाना है, जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट PRC, जैसे कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट आपकी होती है, वो आवासीय सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, चौथा नंबर पे जो दिया हुआ है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। बाद आपके लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द पुलिस ऑथोराइज, तो यहाँ पर आपको एक पुलिस ऑथोराइज से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि आपके थाना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द एक्स सर्विसमैन, अगर आप इन केस एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा।
इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जी नंबर में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर द डिपार्टमेंट कैंडिडेट ड्यूटी सिग्नेचर बाय द अपेयरेट अथोराइज। अगर NOC सर्टिफिकेट आपके पास है तो NOC सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना पड़ेगा जो कि सेकेंड फोटो होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जे नंबर पे जो दिया हुआ है फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस ETC, ये सब आप ले जा सकते हैं, कोई एक ले जा सकते हैं, एक भी चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि के नंबर पे है ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेइंग जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म PST PET। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर वाले जो हैं, 10 नंबर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट विद इन 72 आवर। अब मैं बताता हूँ कि RT-PCR होता है क्या। जैसे कि दोस्तों RT-PCR आपके COVID-19 टेस्टिंग जो सर्टिफिकेट होती है वो RT-PCR सर्टिफिकेट होती है जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है आपके 72 घंटा के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रिंट के ऑप्शन है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस होगा और यहाँ आपको एक प्रिंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिंट के ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होने लग जाएगा और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा, इस सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है जो इकॉल लेटर सर्टिफिकेट है आपके डाउनलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अपने इकॉल लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने इकॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।